जलवायु पाठ के अंतर्गत आज अध्ययन का जो बिंदु है वह है वर्षा का वितरण। मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया है कि भारत में मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ की जलवायु मानसूनी है। लेकिन पूरे भारत में वर्षा एक समान नहीं होती। वर्षा की मात्रा में जगह स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। भारत में वार्षिक वर्षा औसतन 118 सेंटीमीटर होती है, पर इसके वितरण में स्थिति एवं प्राकृतिक बनावट का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। पश्चिमी तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। लेह लद्दाख में भी वर्षण की मात्रा कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात होता है। भारत में वर्षा की विषमता के कारण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत को अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र और फिर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। इस बातों को आप पुस्तक में दिए गए मानचित्र से आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में जो इंडेक्स दिया गया है 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पुस्तक में दिख रहा होगा, ये इलाका सब ये 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के हैं। फिर 200 से 400 वर्षा वाले क्षेत्रों को भी दर्शाया गया है। आप देख रहे होंगे 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के समीप 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, फिर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले अधिकांश क्षेत्र भारत में हैं, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों की संख्या भी अधिक है। फिर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं और फिर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इस मानचित्र से हम भारत के विभिन्न हिस्सों में वर्षा की मात्रा को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के
पाठ के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु था इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोगों के लिए गृह कार्य भी है। गृह कार्य है 400 सेंटीमीटर से अधिक तथा 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को मानचित्र के आधार पर पहचान कर लिखें। धन्यवाद।